नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में जहरीली शराब पीने से करीब 50 से अधिक लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि नीतीश कुमार सरकार ने जिस तरीके से जो फैसला किया कि बिहार में शराब बंद रहे, उसके बाद अवैध तरीके से शराब की तस्करी होती है और ऐसे में जहरीली शराब पीकर 50 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार सरकार पर यहां पर विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का ये आरोप है कि यहां कानून व्यवस्था लचर है और जिसके चलते शराब माफिया भरपूर मात्रा में बिहार में अवैध शराब की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों ने भी अपनी यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में शराब बंद कर देने का जो फैसला नीतीश कुमार सरकार का है, वो बिहार के हित में नहीं। लोग नशीली और जहरीली शराब पी करके अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्व में भी यहाँ पर बिहार सरकार को घाटा हो रहा है, यानी कि बिहार में दोबारा से शराब शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के विधायक का ये बयान सामने आया है, विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार का शासन और प्रशासन पर अंकुश नहीं है, यानी कि बिहार में इस वक्त जंगल राज है। बिहार में नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर पहली बार ये नहीं है जब ये ऐसे आरोप लगाए गए हों। इससे पहले भी नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव बार बार हमलावर होते रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से उनकी पार्टी के विधायक गोपाल मंडल और नीलम देवी हमलावर नजर आ रहे हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में ये दोनों राजनेता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। लगातार ये नीतीश कुमार की शैली को लेकर के, काम करने के तरीके को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। तब देखना यह होगा कि गोपाल मंडल और नीलम देवी किस तरीके से आगामी वक्त में अपनी यहाँ पर कार्यशैली और रूपरेखा को तैयार करते हैं। आपको बता दें कि गोपाल मंडल पर जेडीयू विधायक अजय मंडल ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। गोपाल मंडल पर अजय मंडल के द्वारा आरोप लगाए गए कि वे नशे की हालत में रहते हैं और नशे के आदी हैं। गोपाल मंडल ट्रेन के जिस तरीके से टॉयलेट में जिस आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे, उसके बाद काफी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, लापरवाह नजर आ रहे हैं और बिहार की जनता को यहाँ पर परेशानियों और गड्ढे में धकेल दिया गया है। अब आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से पलटवार करते हुए दावा किया जा रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की विदाई बिहार से होना तय। देखने ये होगा कि चुनाव पर इसका कितना असर पड़ पाता है और क्या नीतीश कुमार यहां अब आने वाले वक्त में 2025 में बिहार की सत्ता से हाथ धोते हुए नजर आते। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए।